नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतेशक न्यूज में। अंतेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। अंशकालिक अध्यक्षों ने मांगा विलंबितीकरण। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी के बस्ती और बदायूं से। अंतेशकों ने अपने अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों को ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सांसद हरीश द्विवेदी जी को ज्ञापन देते हुए अंशकालिक अध्यक्ष। अंशकालिक अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र के सांसद ज्ञापन सौंपा है। सांसद हरीश द्विवेदी से मिलकर नई शिक्षा नीति के तहत नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और नियमितीकरण कराए जाने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि साल 2013 से कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक 27,000 अनुदेशकों को अल्प मानदेय में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ऐसे में बिना नियमितीकरण के हम अनुदेशकों के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। अध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने बताया कि हम समय से समान कार्य समान शिक्षा के तहत अपना समान वेतन चाहते हैं। अनुदेशकों ने अपनी समस्याएं गिनाई कि इन कम मानदेय में हम दूर दराज के स्कूलों में अपना शिक्षण कार्य करने जाते हैं। हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे लेकिन हमारी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। इसी के साथ साथ बदायूं के उत्तर प्रदेश में भी सांसद और विधायकों के माध्यम से अनुदेशकों ने अनुदेशक नियमितीकरण के लिए ज्ञापन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार जनपद के विधायकों व सांसद के द्वारा उनके लेटर हेड पर मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए एक पत्र हम अनुदेशकों को नियमितीकरण व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए लिखवा और भेजने के संबंध में ज्ञापन कार्यक्रम की कड़ी को शुरू कर दिया गया है। आज जनपद बदायूं में बिलसी विधायक श्री हरीश शाक्य को अनुदेशकों ने ज्ञापन सौंपा। तो साथियों, ये इस समय ज्ञापन का दौर चल रहा है अनुदेशकों द्वारा अनुदेशक नियमितीकरण के लिए। इसके बाद पोस्ट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया जाएगा पूरे प्रदेश में। इसी के साथ प्रत्येक ज़िले से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए अनुदेशक नियमितीकरण के लिए पोस्ट कार्ड कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो साथियों, ये थी अब तक की खास खबर। जल्द मिलते हैं अनुदेशक शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई कुछ नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।